बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल देसी हेल्थ ट्रिक्स। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज से इंशाल्लाह रेगुलर काम स्टार्ट होगा। दोस्तों, आज रमज़ान स्पेशल एक बहुत ज़बरदस्त सा एक टोटका आप लोगों को पेश करने वाला हूं। अगर आप लोग सहरी से पहले इस तेल को अपने सर पर लगा लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों के बाल दोबारा कभी गिरेंगे, और जिन जिन के गिर चुके हैं वो इंशाल्लाह दोबारा अपने हेयर्स को वापस ला सकेंगे। 100% कारामिल टोटका है, बग़ैर केमिकल के। ये किस तरह से बनेगा, किस तरह से नहीं, बहुत आसान इसका अमल है। बेसिकली ये टोटका अनियन पर मुश्तमिल है, एक प्याज पर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को बना लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल बीच में बताते रहते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है देसी हेल्थ ट्रिक्स को, और साथ ही देसी हेल्थ टीवी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी जाइए। जल्दी से हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने एक फ्राइंग पैन लेना है, उसमें आप लोगों ने नारियल का तेल ऐड करना है। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल खालिस लिया हुआ है, मैं यहाँ पर नारियल का तेल इसमें ऐड करूँगा। हसबे ज़रूरत आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एक माह की दवाई बना रहे हैं या एक हफ़्ते की बना रहे हैं, उतना ऐड करिएगा। मैं तकरीबन एक हफ़्ते की बना रहा हूँ ये तेल। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये प्याज जो आप लोगों ने ग्राइंड किया था, ठीक है, वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। आंच को थोड़ा आप लोग आहिस्ता कर लीजिए ताकि चीज़ जले भी ना और आप लोगों की जो मतलूबा चीज़ है वो तैयार भी हो जाए। हम लोग इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और डालेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंसी में बने, क्योंकि प्याज हैं वो सक कर लिए उन्होंने ऑयल को। लीजिए दोस्तों, हमारा तेल तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्टेन करके आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह की शक्ल है इसकी, और इसके साथ इस्तेमाल करने का तरीका भी आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, ये हमारा तेल रेडी हो चुका है। ये आप देखें किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ज़बरदस्त प्योर आपका तेल निकला है, ठीक है। एक्चुअल में जो कोकोनट ऑयल का कलर था वो वाइट था, ठीक है। जैसे हमने इसमें अनियंस को जलाया है, उसका पानी इसमें जलाया है, तो हमारे पास ये ब्राउन शेप में आ चुका है, ठीक है। अब हमारा ये जो प्योर ऑयल है ये रेडी हो चुका है अनियन का। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोज़ाना रात को सोने से पहले, अब चूंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान का स्पेशल ये टोटका आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। रात को तो आप लोगों ने सोना है नहीं, और फिर ऊपर से गर्मी भी है। आप लोगों ने क्या करना है, रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान आप लोग इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। फिर इसके बाद सहर में इसको वॉश कर लीजिए, या नहाना है तो नहा लीजिए। 3-4 घंटे आप लोगों के सर पर लग रहने के बाद इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आप लोगों को फ्राहम करेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें कोई केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं प्योर है। सिर्फ 6 से 7 दिन रेगुलर यूज़ से आप लोगों के सर से खुश्की और आप लोगों का जो बाल होगा वो बिल्कुल काला स्याह निकलेगा। इसके बाद आप लोगों का अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या गिर चुके हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टोटके को लाजमी इस्तेमाल करोगे, हर उस बंदे से शेयर करोगे जिसको इसकी ज़रूरत है। आप लोग जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें देसी हेल्थ ट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।